विश्व में सब जगह योग दिवस मनाया जा रहा है, तो इंटरनेशनल योग दिवस की सबसे पहले मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं, बधाई देती हूं। और आज VJM इंटरनेशनल योग स्कूल का स्थापना दिवस भी है, तो उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग हमारी ज़िंदगी के अंदर एक खुशी, एक आनंद को लेकर आता है। तो योग का अर्थ जो है वह है जुड़ जाना। तो जब भी हम जुड़ जाते हैं स्वयं से, जब भी हम जुड़ते हैं परमात्मा की शक्ति से, तब हमारे अंदर एक आनंद आता है, तब हमारे अंदर खुशी आती है। ये जो पूरे दुनिया के अंदर, पूरे विश्व में, हमारे देश के अंदर योग दिवस मनाया जा रहा है, ये इसलिए मनाया जा रहा है कि ये जो योग है ये सभी को जोड़ लेता है। इस बार की जो थीम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर की है, वो है वसुधैव कुटुंबकम, कि एक ही अर्थ है, वन अर्थ वन फैमिली। तो एक ही पृथ्वी है, एक ही जीवन है, एक ही ये परिवार है, तो इसकी रक्षा करनी है। तो योग हमें कहता है जुड़ जाओ। सब जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, अपने अंदर जो है आत्म तत्व से, परमात्मा से जुड़ते हैं, अपने शरीर से, मन से जुड़ते हैं, तो खुशियाँ ज़िंदगी में आने लग जाती हैं, आनंद आने लग जाता है। तो योग जो है हमें सिखाता है जुड़ना, ना कि तोड़ देना। एक व्यक्ति जो योग के मार्ग पे जाता है वो हमेशा जोड़ने की बात करता है, वो तोड़ने की बात नहीं करता है। जब व्यक्ति योग से दूर होता चला जाएगा, अपनी संस्कृति से दूर होता है, तो वो स्वार्थ की दुनिया में प्रवेश करता है, यानी कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगता है और वो टूटने लगता है बाहर की दुनिया से, बाहर के जगत से। वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो स्वार्थी होता है, उसे भोगी कहा जाता है। परंतु योगी जो है वो हमेशा जोड़ता है, हर व्यक्ति को जोड़ता है, चाहे इमोशनल लेवल पे हो, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे हो, रिलेशनशिप के लेवल पे हो, हर लेवल पे वह जोड़ने की कोशिश करेगा। तो हमारी जो संस्कृति है वो शुरू से हमें जोड़ना सिखाती है, वो कभी तोड़ना नहीं सिखाती। इसलिए हमारे देश के अंदर जो जॉइंट फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट है सबसे ज़्यादा है। क्यों? सारे परिवार एक साथ मिलकर बैठते हैं, एक साथ मिलकर खाते हैं, एक साथ मिलकर बातें करते हैं। वो इसलिए है कि हम सबको जोड़ पाएँ, अपने पड़ोसियों को भी हम जोड़ें, अपने रिश्ते नातों को हम जोड़ें, क्योंकि वो जो जुड़ना होता है, वो जुड़ना हमें आनंद देता है, वो जुड़ना हमें अंदर से शक्ति देता है। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो हमेशा कहती है कि चीज़ों को जोड़ो, ना कि तोड़ो। हमारे जितने साधु संन्यासी हैं, ऋषि मुनि हैं, वो भी यही सिखाते हैं कि तुम्हें जुड़ना है, जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति के लिए एक सम्मान की भावना रखें, हर व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास करें। कहते हैं कि एक राजा ने साधु को एक बड़ी ही कीमती कैंची दी और कहा कि इसमें हीरे मोती जड़े हुए हैं, मुझे किसी ने भेंट की थी तो मुझे लगा आपसे आज मिलने आया हूँ, तो मैं आपको आज यह बहुमूल्य गिफ्ट दूँ, उपहार दूँ। तो जब कैंची दी तो साधु हंसने लग गए और कहने लगे कि तुमने जो कैंची मुझे दी है, ये काम तो हमने बरसों पहले छोड़ दिया, अब तो हम सुई का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो यह जो संस्कृति है, ये संस्कृति जोड़ने की, ये हमारी भारतीय संस्कृति है जो जोड़ती है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। और ये हमारे जीन्स के अंदर है, ये हमारे DNA के अंदर ही बसी हुई है। इससे जो भारतीय लोग होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं वो लोगों को फटाफट जोड़ने लग जाते हैं। जो योगी होते हैं वो हर जगह जाकर रिश्ते बना लेते हैं, जो पराए होते हैं उनको भी अपना बना लेते हैं। तो योगी का एक लक्षण होता है, वो अपने पराए का भेद नहीं करता, उसके लिए सब अपने हैं, संपूर्ण पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड अपना है। और यही भावना जो है हम भारतीयों के अंदर भी कूट कूट कर भरी हुई है। हमारे देश की ये जो योग की संस्कृति है, अब इसे पूरा विश्व भी पहचानने लगा है, इसलिए अब इंटरनेशनल योग दिवस पे इतने उत्साह के साथ सब जगह समारोह हो रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है, इस बार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड नेशंस में जाकर वहाँ पर योग दिवस मना रहे हैं। हमारे देश की जो संस्कृति है
उसको सारे विश्व में फैला रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत बात है और हम भारतीयों के लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। तो यह जो जुड़ना है, जैसे कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, जो हम जिसको लेकर हम चल रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम यानी कि सारा जो विश्व है वो एक फैमिली है, हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये जो हमारे शरीर में रक्त बह रहा है, इस रक्त के अंदर भी जो तत्व हैं, वो तत्व भी जो है वो ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, वो ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। तो रक्त अगर देखा जाए, हार्ट जो है वो पंप करता है। पंप क्यों करता है? क्योंकि वह ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरे शरीर के अंदर। और जो ब्लड है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? वो बना हुआ है हीमोग्लोबिन से। और जो हीमोग्लोबिन है उसके उसका हार्ट भी जो है, यानी कि जिस चीज़ से वो जिस तत्व से बना है, वह है आयरन। और वो जो आयरन है, वो आयरन जो है वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो ब्रह्मांड से ही आया है, वो सितारों से ही आया है। जब सुपरनोवाज होते हैं, एक्सप्लोजन होते हैं, गैलेक्सीज एक दूसरे के साथ कोलाइट करती हैं, तो स्टार्स की उत्पत्ति होती है। जब शुरुआत में अगर देखा जाए तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम था, लेकिन जब स्टार्स एक दूसरे से जो है टकराए और एक दूसरे के साथ जो है जो गैसेस मिली, उनके कारण जो है वो आयरन की उत्पत्ति हुई। और वही आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन बनाता है, उसी से ही रक्त का निर्माण होता है और वही हमारे हृदय को धड़काता है। तो अगर हम देखें, हमारे हृदय की धड़कन जो है वो विश्व की धड़कन के साथ जुड़ी हुई है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम ब्रह्मांड से जुड़े नहीं हैं, हम अकेले हैं? कई लोग कहते हैं हम तो बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन नहीं, हम अकेले नहीं है, हम पूरे विश्व के साथ, हम पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड हैं। अगर देखें तो हमारी ये जो सांसें भी हैं, ये भी पृथ्वी के एक एक जीव जंतु के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जो हम सांस लेते हैं, वो सांस जो है जब बाहर आती है, तो वो जब बाहर जाएगी तो वह किसी और प्राणी की सांस बन जाती है, किसी और प्राणी के जो है अंदर प्रवेश करती है और फिर उसके अंदर जीवंतता पैदा करती है। पृथ्वी पर कहते हैं कि 3 बिलियन ईयर्स पहले तो ऑक्सीजन नाम का कोई तत्व ही नहीं था, सिर्फ नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती थी। उस समय जो है एक छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते थे, जो बैक्टीरियाज जिन्हें हम साइनोबैक्टीरियल कहते थे, बैक्टीरियम। तो वो साइनोबैक्टीरियाज जो थे उनके पास एक मैजिक ट्रिक थी, जिसे हम अब फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तब्दील कर देते थे। वो ऑक्सीजन धीरे 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 बिल्ड होते होते उसने पूरी पृथ्वी पर वह छाती चली गई, और 900 मिलियन ईयर्स पहले ऑक्सीजन पूरी धरती पर आनी शुरू हो गई, और 600 मिलियन ईयर्स पहले ओजोन बनने लग गई। ओजोन बनने का फिर ये कमाल हुआ कि फिर धीरे धीरे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जैसे हम हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब फिर इस धरा पर आने शुरू हो गए। लेकिन हम जीवित हैं, हम जीवित हैं तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सब उन छोटे छोटे बैक्टीरियल सेल्स के कारण है, जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थे और जिन्होंने अपने निष्काम कर्म से, क्योंकि उन्हें कुछ मिल थोड़ी ना रहा था, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तब्दील कर रहे थे, उन्हें क्या गिफ्ट मिल रहा था? वो तो कुछ समय के लिए जीवित रहते थे, फिर मर जाते थे, लेकिन उनके निष्काम कर्म से आज हम जीवित हैं। तो यहाँ अगर देखें तो हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर इतने साल पहले जो बैक्टीरियाज थे, अब उन वो हमारी ज़िंदगी के साथ कैसे रिलेटेड हैं? अगर उस समय वो ये सोचते कि हम इतनी ऑक्सीजन क्यों पैदा करें, हम इतनी मेहनत क्यों करें, उससे क्या कुछ परिवर्तन हो जाने वाला है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी तो कुछ समय की थी, कुछ समय तक जीवित रहते थे, और जब वो मरते थे तब भी जो है ऑक्सीजन लेवल उतना ही रहता था, कुछ ज़्यादा तब्दील तो होता नहीं था। लेकिन वह जो उनकी पीढ़ियाँ करती चली गई, कर्म करती चली गई, निष्काम कर्म करती चली गई, उसका रिजल्ट ये हुआ कि ये जो पूरी धरती है ये रहने योग्य बन गई, और आज हम यहाँ बैठकर इंटरनेशनल योग दिवस मना रहे हैं। तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन भी उन छोटे से बैक्टीरियाज़ के कारण है। तो हम अलग नहीं हैं, हम सब एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड हैं।
तो ये जो हमारी संस्कृति बोलती है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि जो अर्थ है, यूनिवर्स है, वो एक फैमिली है, तो ये सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं है, ये एक तरह से एक साइंटिफिक तथ्य है। अगर हम माइंड के लेवल पे भी देखें तो हम अब इस समय अलग अलग टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, अब इंटरनेट का युग आ गया है, लोग फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा कमाई कर रहे हैं, उसे अपना करियर बना रहे हैं, कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट बन रहा है, कोई व्यक्ति पियानो में एक्सपर्ट हो रहा है। तो अगर देखा जाए पियानो का आविष्कार तो हुआ ही 1700 सेंचुरी में है, उससे पहले तो उसका आविष्कार ही नहीं हुआ था। अब जो इस समय पियानो बजाएगा, वो जो म्यूजिशियन है या जो वो संगीतज्ञ है, उसका जो माइंड चल रहा है, उसकी हाथ चलते हैं, माइंड चलता है उसके अंदर, वो जो म्यूज़िक की सेंस आती है, उसके लिए अगर देखा जाए तो कितने उस समय पहले के टाइम पे जो भी म्यूजिशियन थे, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स थे, उन सब की एक्सपर्टीज के कारण एक इंस्ट्रूमेंट बना जिसे कहा जाता है पियानो, और उसको अब लोग अपना करियर बना के अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। कहीं कोई आविष्कार होता है, कहीं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आविष्कार होता है, जैसे इज़राइल के अंदर हुआ, तो वो आविष्कार जो है, वो जो इनकी इनोवेशन है, वो टेक्नोलॉजी जो है, वो फिर किसी और देश में आती है, फिर दूसरे देश के लोग अपने एग्रीकल्चर को एडवांस करते हैं। या फिर कहीं पर ड्रोन की कोई टेक्नोलॉजी आई, या कोई मिसाइल की टेक्नोलॉजी आई, उसको फिर हम अडॉप्ट करते हैं, या हमारी किसी टेक्नोलॉजी को दूसरा देश अडॉप्ट करता है। तो हर व्यक्ति, हर देश इस समय एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जुड़ा है, हम सब अलग नहीं हैं, हम सब एक ही माला के अगर देखा जाए मोती हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। तो हमें ये याद रखना है कि हम जो काम करते हैं उसका असर जो है वो पूरे विश्व के अंदर पड़ता है, हम एक छोटा सा कदम भी लेते हैं उसका असर भी पूरे विश्व के अंदर पड़ता है। आपने कोई अच्छाई की, उस अच्छाई का असर भी पड़ेगा। कहते हैं कि एक साधु जो है वो समुद्र के तट पर घूम रहा था। अब वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ गिरी हुई थी, बहुत सारी मछलियाँ जो हैं तड़प रही थी। अब साधु ने एक एक मछली को उठाकर वापस सागर में डालना शुरू कर दिया। तो किसी ने कहा, यहाँ तो हज़ारों पड़ी हुई हैं, कितनों की जान बचा लोगे? तो साधु ने कहा, कम से कम जिस मछली की जान बचाई है उसका तो पूरा संसार ही मैंने बचा लिया है, उसकी तो पूरी ज़िंदगी मैंने बचा ली है। तो हम अपनी क्षमता से, हम अपनी जो भी हमारे अंदर पावर है, हम उससे कुछ भी अगर करते हैं, तो ये मत सोचिए कि आपने बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया। किसी को आपने जो है मुस्कुराना सिखा दिया, किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो रहा था आपने उसको ऊपर उठा दिया, उस व्यक्ति के मन से आप जुड़े, उसके इमोशन से आप जुड़े, उसके अंदर एक मोटिवेशन आप लेकर आए, तो ये मत सोचिए कि आपने कोई बहुत छोटा काम कर दिया है। आप एक छोटा कदम भी बढ़ाते हैं, एक अच्छा विचार भी लाते हैं, उस विचार का असर इस पूरे विश्व के ऊपर पड़ता है। तो योग जो है, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, हम जो सोचते हैं, जो हम काम करते हैं, वो सब चीज़ें पूरे विश्व के अंदर असर डालती हैं। अगर कोई एक योगी किसी गुफा में बैठकर सबके लिए मंगल कामना करता है, वाइब्रेशंस भेजता है, तो अब तो ये साइंटिफिक ट्रुथ है कि हमारा जो माइंड है उसकी वाइब्रेशंस जो हैं वो सब पर असर डालेंगी। वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निकलने लगती हैं वो सामने वाले व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो एक योगी अगर बैठकर प्रार्थना करता है, एक व्यक्ति अगर अपने घर में बैठकर प्रार्थना करता है, तो उसका भी असर होता है। तो योग हमें कहता है, सबके कल्याण की भावना रखिए, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें प्राप्त होता है। हम एक व्यक्ति के लिए अच्छा सोचेंगे, वो तरंग वहाँ आगे जाएगी, धीरे धीरे जाते जाते फिर वो तरंग आपको छुएगी, आपका भी कल्याण करेगी। तो पूरे विश्व के मंगल के लिए इस समय योग की आवश्यकता है। तो योग हमें कहता है कि सारे विश्व के कल्याण की भावना रखनी है, और साथ ही साथ अपने शरीर को भी हमें स्वस्थ रखना है। जो योगासन बताए जाते हैं योग में, उसका जो नित्य अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होती है, तो हमारे शरीर की जितनी नस नाड़ियाँ हैं वो फैलना शुरू हो जाती हैं, और अंदर से ऊर्जा का प्रभाव आने लगता है, ऊर्जा फैलती है, शरीर स्वस्थ होता है।
मन स्वस्थ होने लगता है जो प्राणायाम किया जाता है। ये जो ब्रीदिंग है, ये ब्रीदिंग क्या करती है, मन की चंचलता को कंट्रोल करती है, हमारे फोकस को बढ़ाती है। तो जिन लोगों को अपना फोकस बढ़ाना है या बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें जो है अगर प्राणायाम की तरफ प्रेरित किया जाए तो मन की चंचलता खत्म होगी और पढ़ाई में उनका मन भी लगने लगेगा। तो योग के द्वारा हम अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं और अपनी बुद्धि को जो गलत तरफ लग जाती है उस बुद्धि को भी ठिकाने लगाने का काम योग ही कर सकता है। योग ही पूरे विश्व के अंदर शांति का प्रचार प्रसार फैला सकता है। और इस समय योग का बिजनेस जो है इस समय इतनी तेज़ी से फैल रहा है, लोग इसे अपना प्रोफेशन बना रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा काम करो जिससे हम लोगों को शांति भी दें, हम भी स्वस्थ रहें और दुनिया भी स्वस्थ हो और साथ में हम कुछ कमा भी सके। तो ये एक बिजनेस भी बन गया, एक अपॉर्चुनिटी भी बन गई है लोगों के लिए करियर। ऐसा नहीं कि योग करने से कुछ मिलेगा, नहीं, योग करने से सब कुछ हासिल मिलेगा। जो कहा जाता है योग और क्षेम की प्राप्ति होती है, तो यानी परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा, तो वो कल्याण जो है आपका इस जगत में भी होता है और परमात्मा के जगत में भी होता है। तो यह योग का अद्भुत चमत्कार है, इसलिए योग की तरफ जो चलता है उसका कल्याण अवश्य ही होगा ही होगा। गीता में भगवान यही कहते हैं, अर्जुन तू योगी बन। तो बस हमें योगी बनना है और पूरे विश्व के अंदर शांति और प्रेम को फैलाना है। जो इतने युद्ध हो रहे हैं वो सब शांत हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सभी को पुनः दोबारा से इंटरनेशनल योगा दिवस की शुभकामनाएं। हरिओम।